हाल ही में तापसी पन्नू की शाबाश मिठू रिलीज हुई थी। फिल्म में तापसी पन्नू ने भारतीय महिला क्रिकेटर मिथाली राज का कैरेक्टर प्ले किया था। क्रिकेटर के रूप में तापसी ने फैंस को काफी इम्प्रेस किया। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। अब एक बार फिर से तापसी बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तापसी की फिल्म दोबारा का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। अनुराग कश्यप और तापसी की जोड़ी फैंस को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। इससे पहले दोनों ने फिल्म मन मर्जिया में साथ में काम किया था। अनुराग कश्यप की न्यू एज थ्रिलर फिल्म दोबारा 19 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। तापसी की ये फिल्म मिस्ट्री और थ्रिलर से भरपूर होगी। फिल्म के ट्रेलर में तापसी अनोखे अंदाज में नजर आ रही है और इसी फिल्म को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट भी किया है। दोबारा को एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है। दोबारा में फैंस नए जमाने के थ्रिलर को एक्सपीरियंस करेंगे। फिल्म की कहानी तापसी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आएगी, जिसे 12 साल के लड़के की जान बचाने का मौका मिलता है। ये फिल्म स्पेनिश फिल्म मिराज का हिंदी रिमेक है और इसी के साथ ही फिल्म के टाइटल दोबारा की गुत्थी भी सुलझ गई है, जो दरअसल 2 यानी कि 2 और 12 यानी कि 12 है। दोबारा में तापसी के साथ सुनील खेतरपाल और पावेल गुलाटी हैं। तापसी ने बदला में सुनील खेतरपाल और थप्पड़ में पावेल गुलाटी के साथ काम किया है। तापसी और अनुराग कश्यप की इस फिल्म को बर्मिंगम फिल्म फेस्टिवल, लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल समेत अन्य फिल्म फेस्टिवल्स में भी काफी सराहना मिल रही है और इस फिल्म को अब इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में भी दिखाया जाएगा। अगर आपने इसका ट्रेलर देख लिया तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको तापसी का ये ट्रेलर कैसा लगा।